नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सेट है, साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। आप सभी को बताना चाहूँगा अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट, जो कि एकदम फ्री टेस्ट है। एसएससी एग्जाम बेस्ड पर आपके लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने यहाँ पर टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया है, जिसमें आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करके अच्छा प्राइज़ जीत सकते हैं। प्राइज़ में रिवॉर्ड्स में आपके लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स में देखिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। नंबर वन की रैंकिंग लाने पर आपके लिए डेल का लैपटॉप है, सेकंड रैंकिंग लाने पर आपके लिए सैमसंग का स्मार्टफोन है, थर्ड रैंक लाने पर आपके लिए फिटबिट की स्मार्ट वॉच है, और आप 5000 रुपये तक के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। आप टेस्ट एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने अपना कोड भी दे दिया है। मेरा कोड है AEGG, अपने यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म AEGG, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु। आप इस कोड को यूज़ करके एनरोलमेंट कर लीजिए, फ्री है। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। अलग अलग रैंकिंग पर स्कॉलरशिप का अलग अलग परसेंटेज है। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के साथ साथ रिवॉर्ड्स में अमेज़ॉन के 5000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट रहेगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे से यह टेस्ट है, तो एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेता हूँ फ्री में। आप मुझसे मेरी सभी क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड करना है, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना है ना। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने के बाद में आप आगे पढ़ेंगे। मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में एसएससी एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए कोड मांगा जाएगा। आपको कोड डालना है AEGG, अपने यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म है ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु का AEGG। ये कोड आप एंटर कर देना। जैसे ही आप ये कोड एंटर करोगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है अनलॉक हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हुए आप मेरी क्लासेस फ्री देख सकते हैं। मुझे मेरे नाम रंजीत पांडे से सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी बाकी क्लासेस भी आपको मिलने लगेगी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, 12 बजे की क्लास के साथ साथ मैंने यहाँ पर 24 तारीख तक की क्लासेस शेड्यूल कर दी हैं। 24/4/2022 यानी कि आने वाले दो दिन की क्लासेस, आज की क्लास और कल की क्लास, दोनों आज ही शेड्यूल कर दी हैं। आप लिंक पर क्लिक करके शेड्यूल हुई क्लास के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सभी क्लासेस में आ जाइएगा। चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, फोटोन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की आयु का पता कैसे लगा सकते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो पौधों की आयु का पता जो है वृद्धि वलय को गिनकर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवकधारी साधारण एथोलॉइड स्वपोषी और जलीय पौधे, इनमें से कौन होते हैं? राइट आंसर क्या है? तो इनके लिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कोशिका के नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है केंद्रक को कहा जाता है, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट के पोषक तत्व का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो कवक को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? तो हाथी पांव रोग प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणु में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणु में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो मूंगफली पौधे का फल जो है भूमिगत पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है प्रश्न है, पुष्प का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? तो पुष्प का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है उसको कैलेक्स बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा।
मवेशी तीव्रता से घास निगलकर इसे कहाँ संचित करते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मवेशी जो है तीव्रता से घास निगलकर इसे रुमन में संचित करके रखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, मछली में उपस्थित वायु कोश क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मछली में उपस्थित वायु कोश जो है जल स्थैतिक अंग है एक प्रकार से, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए इनमें से ज़रूरी पेप्सिन एंजाइम होता है, इसका युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर ऊतक का उदाहरण ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, रक्त है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, रक्तदाब उच्च होता है इनमें से कहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो रक्तदाब उच्च होता है धमनियों में, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी रक्त कोशिकाएं वृक्क तक रक्त लेकर जाती हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त कोशिकाएं वृक्क तक रक्त लेकर जाती हैं, गुर्दे की धमनी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो मानव हृदय का दायां भाग जो है अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूरिया का सर्वाधिक अधिकता किसमें पाई जाती है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यूरिया की सर्वाधिक अधिकता जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ये पाई जाती है यकृत शिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। मानव कंकाल परीक्षण जो है इनमें से किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए, हड्डियों की आयु से आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए कंकाल परीक्षण जो है किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिन जिनके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो संयोजी ऊतक जिनसे अस्थि और पेशी जोड़ते हैं उसे हम टेंडन कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक वयस्क मनुष्य में कितने चवरणक होते हैं, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वयस्क मनुष्य में जो है 12 चवरणक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पंप किसका संचालन करता है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सोडियम पंप जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये संचालन किसका करता है? तो तंत्रिका आवेग का संचालन करता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए? तो इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हृदय की पेशियाँ संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए बताइए? तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है, राइट आंसर क्या है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट साइड पेपर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक्स दे दी हैं कॉम्बैट टेस्ट की क्लासेस की, आप लिंक्स पर क्लिक करके क्लास में टाइम पर आ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।